हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 28 सितंबर के इस एमसीक्यू लेसन में आपका स्वागत है। डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज जो हम लेके चलते हैं शाम को, ये क्वेश्चंस डेली आते हैं। कल ये कुछ शेड्यूलिंग के इश्यूज थे, कुछ अदर वीडियोस आने वाले थे, तो ये वीडियो जो आज सुबह आ रहा है और पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेंडिंग के ऊपर है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। इन कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा सारा, और यहाँ पर नंबर पर कॉल कर सकते हो, और यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस है और जहाँ पर चैट सेक्शन अवेलेबल है, और सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। ये है जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको यहीं पर मिलेगा, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 17A। मैंने कल आपको प्रोजेक्ट 75I पूछा था और ये प्रोजेक्ट 17A है। क्या ये सबमरीन्स के लिए है? तो ये सबमरीन्स का प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्टेल्थ फ्रीगेट होते हैं, मतलब कि ये छोटे साइज के जो है एक तरह से वेसल्स होते हैं, और ये मेनली पेट्रोलिंग वगैरह में काम आते हैं, और इसका जो साइज़ होता है, जो बाकी जो कैरियर्स होते हैं, जो कमर्शियल शिप्स हैं या फिर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह है, उससे काफ़ी छोटा होता है। तो ये डेवलप किया है, और आईएनएस नीलगिरी जो है वो इसका पहला शिप है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये 17A स्टेल्थ फ्रीगेट्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिजिनस डेवलप किए जा रहे हैं, और ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 7 होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, टोटल 7 होंगे, और पहला जो है वो आईएनएस नीलगिरी इसके अंदर है, पहला जो शिप है इसके अंदर। और बाकी सारी बात वही है कि भाई जो इंडियन ओशन रीजन है और जो दुनिया का जो ट्रेड है वो 95% वॉल्यूम से तो सी रूट से ही होता है, और 70% जो है इंडिया का ट्रेड वो वैल्यू टर्म्स में 70% तक सी रूट से होता है। तो इन सबको प्रोटेक्ट करना पायरेसी से, टेररिज्म से, इन सबसे करना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये जो फ्रीगेट्स होंगे स्टेल्थ फ्रीगेट्स वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। स्टेल्थ मतलब कि ये आराम से छुप सकते हैं, मतलब रडार वगैरह के पकड़ में भी ये नहीं आएंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहला शिप है ये प्रोजेक्ट 17A का आईएनएस नीलगिरी, और ये शिवालिक क्लास जो स्टेल्थ फ्रीगेट्स हैं उन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं ये वाले, जो 17A के अंदर जो 7 बनाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा इसका एम और इसके जो फीचर्स हैं। नेक्स्ट है आईएनएस खांडेरी, एक और क्वेश्चन है। INS मतलब इंडियन नेवल शिप होता है, तो INS खांडेरी, अभी हमने नीलगिरी पढ़ा, ये खांडेरी है। ये क्या कलवारी क्लास का डीजल इलेक्ट्रिक एक इम्पोर्टेंट सबमरीन है, अटैक सबमरीन, और प्रोजेक्ट 75I में क्या सेकंड सबमरीन ये है? देखिए कलवारी क्लास जो है, मैंने कल ही आपको पढ़ा था प्रोजेक्ट 75I, जिसमें स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई जानी है, ये हमने देखा था। और ये जो कलवारी क्लास है ये प्रोजेक्ट 75I का नहीं है, ये प्रोजेक्ट 75 का है, सिर्फ 75 का। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका अपडेशन है ये 75I, तो 75 इससे पहले चलता था जिसमें कलवारी क्लास डेवलप की जा रही है, और ये INS खांडेरी इसका सेकंड है कलवारी क्लास का, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट 75I लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत छोटा सा इसमें डिफरेंस है, तो ये 75 है, 75I नहीं है। और इंडिजिनसली मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड इसको डेवलप कर रहा है, ये बिल्कुल सही है, दूसरा इसमें सही होगा, ओनली टू इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने जब इसको लॉन्च किया राजनाथ सिंह जी ने, तो इन्होंने बहुत बताया कि 71 की वॉर के अंदर नेवी ने बहुत बड़ा रोल निभाया था, और उस टाइम पर ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने पूरा कमर तोड़ दी थी पाकिस्तान के नेवी की। और अभी जो है उसी तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट जो अभी फ्रीगेट्स हमने देखा, और अभी ये जो इंडियन नेवल शिप्स हैं, सबमरीन्स वगैरह हैं, ये वैसे ही ब्लोज देने में बहुत काम आने वाली हैं फ्यूचर में, जितने भी चैलेंजेस हैं खासकर नेवल एरिया के अंदर बढ़ रहे हैं जो काफ़ी, और चाइना भी एनसर्कल कर रहा है, तो इन सब के लिए ये हमारे टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ये अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी थे। और इंडिया उन देशों में बन गया है जो बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो अपने खुद के सबमरीन कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, तो मेक इन इंडिया को भी एक बड़ा बूस्ट है। और खांडेरी जो है एक फोर्ट भी है, जो आइलैंड फोर्ट था जो शिवाजी महाराज ने, जो छत्रपति शिवाजी हैं उन्होंने उसका डेवलप किया था, एक किला बनाया था खांडेरी आइलैंड के ऊपर, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये खांडेरी जो है ये कलवारी क्लास का और सेकंड है अटैक सबमरीन है, ये अटैक सबमरीन है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट 75 है, सिर्फ 75 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव हर साल होता है, और हर साल इसका डिटेल हम डिस्कस करते हैं, ट्राइबल फेस्टिवल है,
और क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करवाता है? नहीं, ये मिनिस्ट्री, ये तो एक तो ट्राइफेड जो बॉडी है जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए जो सारा उनको मार्केटिंग करवाने के लिए उनके कमर्शियल इशूज को सारा जो देखता है ट्राइफेड, वो प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कल्चर नहीं करवाता, तो ये गलत है और ये हर साल होता है। और ये ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सक्लूसिवली शोकेस नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों को करता है, उसके उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स से भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनते हैं, वो भी होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स भी होते हैं, सब कुछ चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये अकेला हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पर होना, ये कहना गलत है, इसलिए ये भी गलत होगा और डी नन इसका आंसर होगा, दोनों इसमें गलत हैं। यहाँ पर देखिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड इसका नाम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ही आता है, और ये नोएडा जो दिल्ली के पास में एनसीआर रीजन में ही पड़ता है, वहीं पर ये फेस्टिवल अभी चल रहा है। तो ये 8 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। ये सारा इसमें दे रखा है कि क्या क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट ट्राइबल्स गैदर फ्रॉम द फॉरेस्ट, अ रेंज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, फ्रूट, सीड्स, बार्क्स, लीव्स, इन सब से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हनी वगैरह होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, और ट्राइफेड जो है इनको कमर्शलाइज करने के लिए पूरे प्लान बना चुका है, पोर्टल वगैरह भी इसने बनाए हैं, और पेमेंट सिस्टम जो है वो भी अपग्रेड किया गया है, और बाकी जो सारे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और खासकर ये जो GEM का पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट का पोर्टल है, इन सब के ऊपर इनका एक्सेस अवेलेबल है और इनके प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बिकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री 4.0 भी इसको बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड है? इसका फिनोमेना 3-4 सालों से चल रहा, तो किससे रिलेटेड है और किस पे बेस्ड है ये आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आप इनका जो एब्रीविएशन है वो भी आपको याद रहना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, AI, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ML मतलब मशीन लर्निंग, और 3D प्रिंटिंग। तो कौन से वाले के ऊपर इंडस्ट्री 4.0 जो है वो टिकी हुई है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग है? देखिए, इसमें सारे होंगे क्योंकि सब चीज़ों का ही है इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्हीं सब के ऊपर आधारित है इंडस्ट्री 4.0 जो इसका वर्जन है। पहला जो था वो जब इंजन बना था, स्टीम इंजन बना था, तब आया था, उसके बाद में साइंस और मास प्रोडक्शन का एक एज आया, इलेक्ट्रिसिटी का जो इसके अंदर बड़ा बूम आया, उसके बाद में जब डिजिटाइजेशन स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर्स आए, वो तीसरा था, और चौथा जो है वो अभी सारा एकदम वेरी फास्ट स्पीड इंटरनेट के ऊपर बेस्ड जो चीज़ें हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपस में जो है इंस्ट्रूमेंट्स कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये सब कुछ है। तो ये जो सारा इशू है, ये सारा इंडस्ट्री 4.0 का है, जिसमें रोबोटिक्स का बहुत यूज़ होगा और इन सब फिनोमेनास का एप्लीकेशन इसमें होगा, तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है चौथा, वो इन चीज़ों के ऊपर आधारित है, तो डी ऑल इसका आंसर होगा। इसको स्मार्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, स्मार्ट फैक्ट्री भी कई बार नाम देते हैं इन सब चीज़ों को, और ये सारी चीज़ इसमें लागू होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और साइबर फिजिक्स, फिजिकल सिस्टम्स, ये सब चीज़ें वही सारी एडवांस्ड इश्यूज हैं जो कि इस इंडस्ट्री 4.0 वर्जन को चला रही है। नेक्स्ट, साइबर डोम एक फैसिलिटी जो है वो क्या फाइनेंशियल फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए है बैंकिंग के अंदर। तो देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये इसी के लिए ही डेडिकेटेड है, ये एक वन ऑफ द इशू है इसके अंदर, जो कि ओवरऑल जो इंटरनेट के क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स वगैरह जो हैं उनको, और जो बड़े बड़े जो डार्क नेट वगैरह के ऊपर जो क्राइम्स होते हैं, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, चाइल्ड की स्मगलिंग हो, या फिर कोई बड़ा ड्रग्स वगैरह की डीलिंग हो, आर्म्स की डीलिंग हो, जो कि इलीगल होती है, और जो नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म होते हैं इंटरनेट के, जो डोमेन्स हैं गूगल वगैरह के अंदर जो नहीं आते हैं, अलग से जो डार्क नेट पर चलते हैं, उनको और पकड़ने के लिए, और साइबर डोम नाम की फैसिलिटी जो है वो केरला पुलिस ने चलाई है। तो ये दिल्ली पुलिस का नहीं है, केरला पुलिस का है, दोनों ही गलत है, इसमें डी नन इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर डेडिकेटेड नहीं है, ये लार्जर गोल इसके पास में है। तो ये आप देख सकते हो, इसका जो जिसको बोलते हैं कि ब्राउजर वगैरह भी सब कुछ अलग होता है डार्क नेट के अंदर, डार्क नेट के बारे में पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है, और बहुत ही एक डेंजरस एक प्लेटफॉर्म भी है, जिसके ऊपर सारे तरह के लीगल काम होते हैं, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन वो चलता है, और उसमें सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, बहुत ही गजब गजब के हैकर्स वगैरह सब कुछ इसमें होते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को पॉसिबल करवाते हैं, जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से ये सब कुछ इलीगल है, ये नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ होता है, जितने भी बड़े क्राइम्स हैं वो डार्क नेट के ऊपर ही
होते हैं, उनके सप्लाई, उनका जो डिलीवरी, उनका जो पेमेंट, सब कुछ वहीं पे होता है, बिटकॉइन वगैरह वहीं से स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर प्राइस, ये क्या इसरो ने एस्टेब्लिश किया था? देखिए नहीं, इसरो ने नहीं किया था, CSIR ने किया था, और ये 1998 में पहली बार अवार्ड किया गया था, और ये कई तरह के फील्ड्स में मिलता है, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन दो में ही नहीं मिलता है, और भी बहुत सारे फील्ड्स में मिलता है, लेकिन साइंस का होता है मेनली, तो दोनों इसमें गलत है, डी एन इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो CSIR ये प्राइस देता है, और अप्लाइड रिसर्च हो, फंडामेंटल हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स, इन सब के अंदर ये अवार्ड मिलता है, मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस को ये कवर करता है। और जो CSIR के फाउंडिंग डायरेक्टर जो थे, शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के नाम से ये रखा गया था, पहला 1998 में ये अवार्ड दिया गया था। तो CSIR की लैब्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे देश भर में, तो CSIR का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। 42 में ही एस्टेब्लिश हो गया था, और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड भी है, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड करती है, फंडेड बाय MST, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियल प्रेजिडेंट होते हैं CSIR के, ये आपको ध्यान रखना है। और MST जो मिनिस्ट्री है उसका जो यूनियन मिनिस्टर जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, कई बार इसका नाम आता है, जितने भी नए नए इनोवेशन आते हैं कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन CSIR की लैब से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके 38 लेबोरेटरी इंस्टीट्यूशंस और आउटरीच सेंटर्स हैं, 39, 3 इनोवेशन सेंटर्स हैं, 5 यूनिट्स हैं जो पूरे देश में चलती हैं, ठीक है। तो एक बड़े अचीवमेंट्स भी कुछ इन्होंने बता रखे हैं, जैसे कि सिंथेटिक ड्रग है एक मेथाक्वेलोन, ये 1950 में ही बना ली थी इन लोगों ने, तो बहुत पहले से इसके अचीवमेंट होते आ रहे हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्लस 2.0, ये क्या प्रोग्राम UNCCD का है? फॉरेस्ट प्लस 2.0, देखिए UNCCD का अभी COP14 इंडिया में हुआ था, और बहुत सारी बातें चली थी, और फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग इशू भी ये कवर करता है, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन का इसमें बात है, तो फॉरेस्ट्री तो उसका सोल्यूशन है, लेकिन ये इसका प्रोग्राम ये नहीं है, ये गलत है। दूसरा, इसमें टूल्स डेवलप किए जाते हैं इकोसिस्टम मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए, और इकोसिस्टम सर्विसेज को लैंडस्केप मैनेजमेंट में कैसे यूज़ लिया जाए, हार्नेस कैसे किया जाए, इन सब के लिए 5 साल का ये प्रोग्राम क्या लॉन्च किया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें सही होगा, पहला इसमें गलत, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और USAID जो एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये UNCCD का नहीं है, ये USAID जो US की एजेंसी है और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हमारी है। तो अभी जो समिट चल रहा है उसमें इंडिया और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है, 5 साल का प्रोग्राम होगा, और इसका गोल वही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना और टूल्स को डेवलप करना, टेक्निक्स को डेवलप करना इकोसिस्टम के मैनेजमेंट के लिए। और फॉरेस्ट प्लस इससे पहले एक आया था जो कि 2017 में कंप्लीट हो गया था, फिर दिसंबर 18 में फॉरेस्ट प्लस 2.0 स्टार्ट हुआ है, ये इसके प्लस के अचीवमेंट्स हैं। और जो फॉरेस्ट प्लस 2.0 के अंदर 3 नए लैंडस्केप होंगे, गया बिहार में है, केरला में तिरुवनंतपुरम है, और तेलंगाना में मिंडक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये फोकस करेंगे, ये पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर चलने वाले हैं। पिछली बार जो है फॉरेस्ट प्लस के अंदर सिक्किम, रामपुर और होशंगाबाद इनको चूज किया गया था। नेक्स्ट, निक्षय क्या एक वेब इनेबल्ड एप्लीकेशन है? बिल्कुल है। और क्या ये TV और HIV के बारे में बात करता है, उनके डेटास के बारे में बात करता है? देखिए वैसे तो ये सीधा सीधा ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये एक मेन इशू है, लेकिन ये बात HIV की भी करता है, क्योंकि HIV के जो पेशेंट्स हैं, पीपल्स लिविंग विद HIV जो हैं वो TB के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं, क्योंकि जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो TB एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो अधिकतर पेशेंट्स को पकड़ जाती है, और उसी के कारण ही फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए निक्षय जो है TB और HIV दोनों की बात करता है, तो ये इनडायरेक्टली ये एक क्वेश्चन बनाया गया है, डिराइव्ड क्वेश्चन है, तो ये सही होगा। जबकि सीधा सीधा कोई पूछे एक्सक्लूसिवली तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही प्रोग्राम है, लेकिन HIV वालों को बहुत TB होती है, इसलिए उसका भी इसमें सारा डेटा रखा जाता है और उनकी स्क्रीनिंग वगैरह होती है सबकी। क्या ये आयुष्मान भारत योजना के अंडर ये डेवलप किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अंडर ये डेवलप नहीं किया गया है, ये तो अभी आया है आयुष्मान भारत, तो निक्षय पहले से चल रहा है, तो ओनली 1 इसका आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें डेटाबेस बनता है सारे TB पेशेंट्स का, जिनको MDR TB है उनका भी सारा डेटाबेस बनता है। और ये किसने बनाया है? ये सेंट्रल TB डिवीजन जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। तो NIC रूटीन आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के आगे देखते हो तो वही प्लेटफॉर्म ये है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है, तो ये पहले से बना हुआ है, इसमें डेटाबेस रखे जाते हैं, और टीबी पेशेंट्स को इसमें पैसा भी मिलता है हर मंथ, जो अपने ट्रीटमेंट वगैरह के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। और बहुत बड़ा इशू टीबी का इंडिया में है, एंड टीबी स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर 2025 तक हमें टीबी को एंड करना है, ये हमने गोल बनाया है। और HIV वाले जो पेशेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा खतरा टीबी का रहता है, तो ये सब
जो है चीज़ों का इसमें इशू कवर होता है। तो निक्षय ये पोर्टल है। नेक्स्ट है LRRK2, ये साइंस के पोर्टल्स के ऊपर अभी न्यूज़ में था। ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई जीन है, क्या ये कोई हार्मोन है, क्या ये कोई काइनेज एंजाइम है, क्या ये कोई एस्टेरॉयड है? ऐसा ना हो सकता है, एस्टेरॉयड का कई बार रखा जाता है लेकिन ये वो नहीं है, ना ही ये जीन है। जीनों का नाम भी ऐसे ही होते हैं जो कई बार हम सुनते हैं, जैसे चाहे वो कैंसर के रिगार्डिंग हो चाहे कोई और के रिगार्डिंग हो, तो जीन्स का नाम भी ऐसा होता है लेकिन ये वो नहीं है, नहीं ये हार्मोन है, ये एक काइनेज एंजाइम है। अब देखिए एंजाइम और हार्मोन दोनों ही प्रोटीन होते हैं एक टाइप के, लेकिन ये काइनेज एंजाइम है। ये एक्चुअल में जब हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं उस टाइम पर ये बॉडी में ज़्यादा रिलीज होता है, और ये ल्यूसिन रिच रिपीट काइनेज टू इसको बोलते हैं, ल्यूसिन रिच रिपीट काइनेज टू काइनेज एंजाइम है। और ये जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ रेडनेस आ जाती है, फिर वाइटिश भी कई बार उसमें पस इकट्ठा हो जाता है और उसमें पेन भी होता है, तो वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है, वो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के कारण ऐसा होता है। वो उस एरिया को कवर कर लेते हैं ताकि वहाँ पर जो इन्फेक्शन है उसको वो कवर कर सके, तो उसके कारण हमें पेन होता है। और अधिकतर क्या होता है कि उसके कारण बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती है, जैसे कई बार लंबे टाइम तक इन्फेक्शन चलते हैं तो उससे बॉडी को नुकसान हो सकता है। और बुखार जो होता है वो भी एक रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है, वो वायरस या बैक्टीरिया के कारण बुखार नहीं हुआ आपको, बुखार आपकी बॉडी ने खुद ने क्रिएट किया है ताकि उससे वो लड़ सके। लेकिन लंबे टाइम तक बुखार अगर रहता है तो वो बॉडी के ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है, तो कई बार लोगों को हार्ट डिजीज हो जाती है, ब्रेन पे इम्पैक्ट आ जाता है ज़्यादा लंबे टाइम तक तेज़ बुखार हो तो ये उसके नुकसान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, जैसे कि लेप्रोसी है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, ये इसके इन्फेक्शन के टाइम पर भी ये काइनेज एंजाइम ट्रिगर होता है और ये स्वेलिंग रेडनेस हीट और पेन जो है वो क्रिएट करता है और उससे कोलेटरल डैमेज बॉडी को होता है, ये इन्होंने देखा है। तो उन्होंने देखा ये लेप्रोसी जो होती है जब उसका इन्फेक्शन होता है तो उसका जो रिस्पॉन्स बॉडी में होता है उस टाइम पर काइनेज एंजाइम बॉडी में आ जाता है, मतलब उस एरिया में आ जाता है, और वो उस काइनेज एंजाइम के कारण और वहाँ पर नर्व्स की एंडिंग जो है वो खराब हो जाती हैं, क्योंकि इसमें नर्व्स काम करना बंद कर देती हैं, लेप्रोसी में यही होता है। तो इंसान को ठंडे गर्म और जलने खुजने इन सब चीज़ों का पता ही नहीं लगता है, उसको टच का कुछ पता नहीं लगेगा, इसलिए उसकी उंगलियां जो है गल जाती हैं एंडिंग से, क्योंकि उसको फील ही नहीं होता कुछ भी, उसको पता ही नहीं लगता है कि उसकी कोई इन्फेक्शन हुआ है, कुछ और हुआ है, गैंग्रीन हुआ है या फिर उसका कहीं जल गया है, कट गया है, उसको कुछ फील नहीं होता है। तो ये लेप्रोसी का इशू होता है, इसके टाइम पर भी ये रिलीज होता है। तो ये एक्सेसिव इन्फ्लामेशन को कॉज करता है बॉडी के अंदर, तो ये एंजाइम बॉडी के अंदर ही होता है और ये कॉज करता है, और ये वैसे तो इन्फेक्शन से बचा लेता है तो उसको तो मार देता है बैक्टीरिया को, तो लेकिन ये नर्व्स को डैमेज कर देता है, तो ये इसका इशू है। अभी ये पता लगा है कि जो पार्किंसंस डिजीज हैं या फिर दूसरे कोई ड्रग्स हैं उसके अंदर इस एक्सेसिव LRRK2 की एक्टिविटी को कम कैसे किया जाए उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन ये बड़ा एक डिस्कवरी है। सो ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।